वाजिद हुकूमत थी वो तो आपको पता हमेशा से जो ना इंडिया के साथ उनका तामा जुल्म और ज्यादतियां अवाम के साथ जो है। बांग्लादेश में बनने वाली नई हुकूमत अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। बांग्लादेश से शेख हसीना के जाने के बाद पाकिस्तान में मौजूद वो बांग्लादेशी जो 1971 के बाद से फंसे हुए हैं, जिनको स्टैंडर्ड बांग्लादेशीज भी कहा जा सकता है, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, शेख हसीना के भागने के बारे में क्या कहा है, और साथ ही यहाँ पे उन्होंने काफ़ी इसको सेलिब्रेट किया है कि बांग्लादेशियों ने, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने किस तरह जान की बाजी लगाते हुए ये जो बड़ी अचीवमेंट है, एक बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो लेके आया है। अभी आप लोग से शेयर करते हैं पाकिस्तानी बांग्लादेशी क्या कह रहे हैं और उन्होंने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, बांग्लादेश के लोगों को क्या मैसेज दिया है। ये एक छोटी सी रिपोर्ट है, इसको आप लोग आखिर तक देखें। पाकिस्तान मीडिया पे इसको चलाया गया है। वीडियो देखने से पहले आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहरे और भारत नवाज साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद के इस्तीफे पर कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी सौ क्वार्टर में रहने वाले बंगालियों का क्या कहना है, ये बता रहे हैं जीशान मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी सौ क्वार्टर में। यहाँ की आबादी बंगाली जुबान बोलने वालों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी शहरी बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। हसीना वाजिद हुकूमत थी वो तो आपको पता हमेशा से जो ना इंडिया के साथ उनका तामर रहा, वहाँ पर जो जुल्म और ज्यादतियाँ अवाम के साथ जो वहाँ के तलबा तालिबात के साथ की गई है नहीं होना चाहिए। किसी भी मुल्क में ऐसे ज्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन हो जाएगा तो नई गवर्नमेंट आएगा तो मैशियत इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, क्योंकि असल मुल्क का मालिक अवाम होता है, अवाम से बढ़कर कोई नहीं होता। वहाँ जितने भी जुल्म हो वो गलत है, उनको उनके हकूक मिल गए, तो अब जो नया हुकूमत आएंगे उससे यही पूरे पाकिस्तानी अवाम, पूरी दुनिया के अवाम यही तवक्कुर रखते हैं कि उनके साथ ज्यारती ना हो, उनके साथ बराबर के सलूक रखें। इब्राहिम हैदरी में रहने वाले बेशतर खानदान सकूत ढाका के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आए। लोगों का कहना है कि उम्मीद है बांग्लादेश में बनने वाली नई हुकूमत अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। कैमरामैन कासिम रईस के साथ दिशा। रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, जैसे ही शेख हसीना को निकाला गया है, शेख हसीना भागी है बांग्लादेश से अपनी जान बचा के, पाकिस्तान में मौजूद बांग्लादेशी, वो बांग्लादेशी जो 1971 से पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो वापस बांग्लादेश आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद बन गई है। उन लोगों को अब इस बात की उम्मीद है कि आगे आने वाली जो गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करेगी और वो इन तमाम लोगों को वापस बांग्लादेश लाने में इन लोगों की मदद करेगी, क्योंकि इससे पहले शेख हसीना कभी भी इस चीज़ को लेके बात नहीं करती थी। यही वजह है कि ये तमाम लोग उस टाइम से पाकिस्तान के अंदर ही रह रहे हैं और पाकिस्तान में भी इनके कोई अच्छे हालात नहीं हैं। वेल, पाकिस्तान के तो ओवरऑल ही हालात जो हैं वो नहीं अच्छे, इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है पाकिस्तान। तो यहाँ पे आई प्रे कि या ये जो बांग्लादेशी पाकिस्तान में मौजूद हैं ये वापस जा सकें और वो तमाम पाकिस्तानी जो बांग्लादेश में मौजूद हैं और वापस आना चाहते हैं वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं। वेल, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि यार वो लाजमी पाकिस्तान आए, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी डिफरेंट है कि बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं, सो इट्स बेटर कि वो लोग वहाँ पर रहें। और मैंने बहुत से लोगों से सुना भी है कि वो इस चीज़ को ही प्रेफर कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश में ही रहना चाहते हैं, और अब वैसे भी काफ़ी लंबा अरसा गुजर चुका है, तो दे एक्चुअली वॉन्ट टू लिव इन बांग्लादेश। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान में बांग्लादेशी मौजूद हैं तो आई वॉन्ट कि यार वो वापस चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे अच्छे नहीं हैं। अब लेट्स सी आगे जो न्यू गवर्नमेंट बनती है और इंशाल्लाह वो बेहतर होगी और बांग्लादेश के हर एक इंसान के बारे में सोचेगी और बांग्लादेश को एक बेहतर रास्ते की तरफ लेके जाएगी। वेल, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं इस हवाले से कि ऐसा कुछ होने जाता है आगे, तो आप लोगों की क्या थॉट्स हैं इसको लेके, आप लोग लाजमी शेयर करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर किया करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू, टिल देन टेक केयर, हाफिज़, बाय बाय।